बहुत ही सरल सीधी सादी सी गांव की लड़की है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग वुमन है। मतलब अपनी कुछ चीज़ों में, अपनी कुछ प्रिंसिपल्स में वो हमेशा अटल है। उसे हमेशा लगता है कि कि ब्रेव बनने के लिए, या फिर यू नो आई थिंक ब्रेव बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक आत्मविश्वास होना होता है और अंदर से वो इंसान बहुत स्ट्रांग होना होता है। एंड वो इन सारे प्रिंसिपल्स में बिलीव करने वाली लड़की है। उसका एक बहुत ही प्यारा दोस्त है गांव में, और एक कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी फिगर है जिस पर वो काफ़ी विश्वास करती है, और वो है बाजी। और बाजी ने हमेशा ही उसे हौसला दिया हुआ है, और लाइफ में कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, या फिर सिर उठा के जीना है, ये सीख उसे कहीं ना कहीं बाजी से मिली है। अच्छा, अगर रियल लाइफ की बात करें तो आप कितनी ब्रेव हैं, और कोई मेमोरीज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? वेल, रियल लाइफ में मैं काफ़ी ब्रेव हूँ, और मेमोरीज शेयर करूँ तो मतलब मैंने कभी किसी को बचाया नहीं है, या फिर कभी यू नो बहुत हीरोइक ऐसे कुछ नहीं किया है। लेकिन हाँ, लाइफ की कुछ कठिनाइयाँ होती है, उनमें उनकी वजह से मैं काफ़ी स्ट्रांग बनी हूँ, और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हमेशा खड़ी रही हूँ। सो आई थिंक मैं काफ़ी ब्रेव हूँ। अच्छा, अभी स्टेज पे जैसे कि श्रेयस ने एक चीज़ शेयर की, जैसे कि उन्होंने काफ़ी खिंचाई की थी और रोने लगे थे, तो उसके बारे में, इसके बाद ऐसी कोई खिंचाई हुई आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक इट इज़ वेरी स्वीट ऑफ हिम टू से दैट। रोना, गिरना पड़ना, आई थिंक जब फिल्म की, इतने बड़ी फिल्म की शूटिंग होती है तो ऐसा होता ही रहता है। बट आई थिंक श्रेयस, निखिल, जीतू हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव, और उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, एक्टिंग हो या फिर एक साल पूरी फिल्म का शूटिंग होना। तो आप काफ़ी सारी अपनी लाइफ उनके साथ शेयर करते हो, मेरी लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स हो या मैं अगर किसी मुश्किल में पड़ जाऊँ तो दे ऑलवेज हेल्प्ड मी। अच्छा, अभी जो ट्रेलर देखा वो काफ़ी मतलब धमाकेदार उसका जो रिस्पांस था, तो उसके लिए कितने खुश हो आप? मिठीबाई कॉलेज में गए थे, वहाँ पे भी आपने रिस्पांस देखा काफ़ी अच्छा था, तो कितना खुशी होते हैं? मेरे लिए खुशी की कोई सीमा नहीं है, बिकॉज आप जब किसी चीज़ पर इतने मन से काम करते हो, इतना दिल लगा के काम करते हो, और जब वो चीज़ सामने आती है तो वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको याद आते हैं कि अरे ये क्लोज के वक्त ये हुआ था, या फिर ये सीन करते वक्त ये हुआ था, तो फिर आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा, ऐसा कोई मौका आया जब भी आपको एक्शन सीन करना पड़ा हो या ऐसा कुछ? जी हाँ, एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस है जो मैंने किया हुआ है, एंड यू विल गेट टू सी दैट इन द फिल्म।